को बॉयकॉट करो, उसको अनफॉलो करो, चाइना पे वॉर करो, डिप्रेशन को कंट्रोल करो, बैन दिस, बैन दैट, सपोर्ट दिस, सपोर्ट दैट, गो बैक टू पाकिस्तान, कम बैक टू हिंदुस्तान, आई एम राइट, यू लेफ्ट, आई एम व्हाइट, यू ब्लैक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वेट, टिकटॉक तो बैन हो गया ना, कीप हस्टिंग राउंड द क्लॉक, हमारा नेता कैसा हो, एकदम भगवान के जैसा हो, हमारा देश कैसा हो, एकदम फॉरेन जैसा हो, ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, उसको सब्सक्राइब करो और उसको करो फॉलो, ये सब झोल झपाटे में दिमाग हो गया हो लोग, किसको करे हेट, किसको करे प्यार, लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ साकिब। क्या पका रहे हैं यार, तो यार मैंने आज बहुत सोचा कि क्या पकाऊं, और यही सोचते सोचते ना मैं खुद ही पक गया। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों नहीं आज बनाया जाए द वर्ल्ड फेमस इंटरनेट हिट मील, जिसमें आपको मिलेगा स्टार्टर्स में ट्रोलिंग उर्फ गार्लिक ब्रेड, मेन कोर्स में आउटरीच उर्फ व्हाइट सॉस पास्ता, और ड्रिंक्स में बहुत सारा फोमो उर्फ स्वीट लेमनेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर्स। सबसे पहले हमको चाहिए एक फ्री इंटरनेट कनेक्शन, और फिर हम लाएंगे आधे पके ओपिनियंस, और हेट को स्प्रेड करके हम इसे बहुत सारे फ्री टाइम में सीखेंगे, और तैयार है हमारे ट्रोल्स। अब आप इसको गर्मा गर्म किसी की भी टाइमलाइन पे सर्व कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल यार। वी मस्ट मेक श्योर दैट द रिजल्ट्स आर ऑलवेज डेडली। अब ट्रोल्स तो बन गए, लेट्स गो अहेड विद आउटरीच, अ मेन कोर्स डिश। आउटरीच बनाना ना भाई बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस लेना है गर्मा गर्म ट्रेंडिंग सोशल मुद्दा जिसका हमें कोई फैक्ट चेक नहीं करना, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें देखो अगर कोई सियापा डाल सकते हो ना तो वो भी डाल दो, जैसे रिलीजन, कंट्री, रेस, कास्ट, कोई भी बढ़िया सा एक इंग्रेडिएंट चुनो और मुद्दे पे डाल के सॉटे करना। इसके बाद नंबर आता है अपने कैंसल कल्चर सॉस का, जिसके लिए हम अपनी हेट और ट्विटर को करेंगे मिक्स, और फिर इसमें डालेंगे हम अपने ट्विस्टेड नैरेटिव्स। प्लीज नोट दैट वी हैव टू मेंटेन अ गुड डिस्टेंस बिटवीन लॉजिक एंड आउटरीच। थोड़ी देर बाद हमें इसके अंदर से आने लगेगी आउटरीच की खुशबू, ओहो मजा ही आ गया। अब इस सॉस में हम डालेंगे वेजीज और इसे पास्ता के साथ कर लेंगे मिक्स। तो जब तक ये सब पक रहा है मैं आपको आउटरीच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। नंबर 1, आउटरीच को हम कहीं भी कभी भी पका सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक मैगी, ये भी 2 मिनट में रेडी हो जाती है। नंबर 2, यूजुअली आउटरीच में उतना ही सच होता है जितना सच इस बात में था कि 2000 के नोट में माइक्रोचिप है। नंबर 3, आउटरीच 2000 के नोट की तरह इसलिए भी है क्योंकि दोनों का बाद में चेंज मिलना मुश्किल है। Number 4, outrage is like an erection. You can get it anywhere and then you want to release. If not done correctly, it can create quite a mess. Number 5, Twitter पे हेट वैसे ही बिकती है जैसे लोकल स्टेशन के नीचे मोबाइल कवर्स। Number 6, मेंटल हेल्थ और इंटरनेट, यू कैन ओनली चूज वन। Number 7, मुंबई की बारिश, ट्विटर की हेट और इंडियंस का आउटरीच, तीनों ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। So now we have our outrage ready. और अब हम इसे पूरे इंटरनेट पे फैला देंगे। फाइनली टू कंप्लीट अ मील हम बढ़ते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। हमारी ड्रिंक का नाम है चिल्ड फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है कंपैरिजन। हमें कंपेयर करना तो बहुत पसंद है ना, हम कंपेयर ही तो करते रहते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हाय आई एम साकिब सलीम, माय नेट वर्थ इज 3,77,000 फॉलोअर्स, माय वेल्थ इज जस्ट अ फ्यू थाउजेंड लाइक्स एंड सम कमेंट्स। मुझे फोमो का एडिक्शन है। जैसे ही कंपैरिजन को फोमो में स्प्रिंकल करेंगे हमें रियलाइज होगा कि यार हमारी लाइफ कितनी खराब है और दूसरे की कितनी मजेदार। हाँ, मेरी पिक्चर पे बस 50 लाइक्स और किसी और की पिक्चर पे 50,000, नॉट फेयर यार। बस यही करते करते ना हम धीरे धीरे अपनी सेल्फ वर्थ की वाट लगा देंगे, और बस तैयार है आपकी इंटरनेट हेट मील। और हाँ, ये जो फोमो है ना वो बहुत एडिक्टिव है। चलो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। यू गाइज प्लीज़ लेट मी नो कि मैं अगले एपिसोड में क्या या फिर किसको पकाऊं। डू लीव योर कॉमेंट्स, आई मीन योर आउटरीच इन द कॉमेंट्स बॉक्स। दिस इज साकिब सलीम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ साकिब क्या पका रहा है यार।